हेलो फ्रेंड्स, मैं कहते हैं आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई से संबंधित सभी विज्ञापन बताया जाता है फ्रेंड्स। और पिछले 10 साल में पूछे गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रश्न भी सॉल्व कर जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आया है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से रिक्वायरमेंट है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/3/2024 स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। इसका लास्ट डेट है 18/4/2024, इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसका CBT 1 दिया है, ठीक है। टेंटेटिव CBT फर्स्ट एग्जाम डेट दिया हुआ है 4/6/2024 से 6/6/2024 तक एग्जाम आपका हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की JEE की पोस्ट है, JEE, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से है, सेंट्रल वाटर कमीशन की पोस्ट है, सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं DG की और नवल की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। फरक्का बैराज से प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। नेक्स्ट देखिए NTRO की पोस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं एज लिमिट 30 रखा गया है। मैक्सिमम में अगर मैकेनिकल से 32 रखा गया, किसी किसी पोस्ट में आप विज्ञापन दे सकते हैं फ्रेंड्स और भर सकते हैं इसको। यहाँ वैकेंसी दिया हुआ है डिटेल में, यहाँ देख सकते हैं आप कौन कौन ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, कितनी कितनी पोस्ट हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए हैं, JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कंबाइंड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है फ्रेंड्स नेशनलिटी सिटीजनशिप, यहाँ देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है। एज लिमिट रखा गया, देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ विच आर 30 रखा गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट एलियर दैन द 2/8/1994 एंड नॉट एलियर दैन द 1/8/2006, ठीक है। SC/ST के 5 ईयर्स का एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा, OBC 3 ईयर्स का। PWD के लिए अनरिजर्व कैडेट के लिए फ्रेंड्स 10 ईयर का है, OBC 13 ईयर और PWD के लिए 15 ईयर रखा गया है। डिफेंस पर्सनल के लिए 3 ईयर्स हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक सर्विस मैन विज्ञापन देख सकते हैं इस तरह का फ्रेंड्स। आगे देखिए हम दिया हुआ है पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ EWS मस्ट इंश्योर डैट ही सी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। आपको साइट जाकर के SSC.gov.in पर आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स एप्लीकेशन को, 100 रुपये फीस लगेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रिसबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्ट अप्लीकेशन 2 टाइम्स ड्यूरिंग द विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यहाँ देखिए 500 फीस है मेकिंग करेक्शन रिसबमिटिंग करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए द सेंटर ऑफ जनरेशन दिया हुआ है, आप कहाँ कहाँ भर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया भागलपुर, ठीक है, सेंटर CR की पोस्ट, जहाँ जहाँ सेंटर इसका दिया CR का, ईस्टर्न जोन का सेंटर दिया हुआ है, कर्नाटका केरला का दिया हुआ है जहाँ पर सेंटर इसका है, फिर मध्य प्रदेश MPR का है, NER का है, NR का है, NWR का है सेंटर, SR रीजन सेंटर दिया हुआ है, WR रीजन सेंटर दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं इस तरह का दिया हुआ है। CBT फर्स्ट होगा 50 जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन बनेगा 50 मार्क्स का, फिर अवेयरनेस 50 क्वेश्चन बनेगा, टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन का होगा फ्रेंड्स। पार्ट टू आपका जिस ट्रेड से रहेंगे सिविल सिविल मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैं, 100 क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, 2 घंटे का प्रश्न बनेगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर आपका इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह का जो भी नोटिस आता है मेरे चैनल पर आपको तुरंत मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।